Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to study part 3, rules based on adjective. So let us start our topic in detail. So today's very first rule is, dekhen dhyan se dekhenge hum isko, other, another, any other, और नो अदर, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, पहली बात अगर मैं अदर की करता हूं, अदर एक डिटरमिनर है और सारे डिटरमिनर अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। अनदर भी एक आपका डिटरमिनर ही है। अदर का यूज देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज करते हैं अदर का, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जो अनदर जो होता है वो हमेशा ही आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अदर का जो मीनिंग होता है या तो अन्य के सेंस देता है ये या दूसरे के सेंस देता है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का, द अदर बैट्समैन वॉज इन फॉर्म, ठीक है। अदर बैट्समैन, अब देखो अदर के बाद हमने क्या यूज किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिया है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 में अगर ध्यान से देखें हम, द अदर बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, दूसरे बच्चे। देखो जब अन्य की बात करते हो तो सिंगुलर ले लेगा, और जब दूसरे की बात करेंगे मतलब प्लूरल के सेंस बात करेंगे दूसरों के सेंस में, तो वहां पर अदर अपने साथ प्लूरल ले लेता है। देखो यहाँ पे बॉयज बन गया है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन हम यूज कर लेंगे। तो जो अदर होता है वो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लेकर चलता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लेकर चलता है। अनदर जो होता है वो हमेशा ही आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। देखिये, गिव मी अनदर बुक्स, अगर मैंने यहाँ पे बुक्स लगा दिया ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनदर तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। तो होना क्या चाहिए, गिव मी अनदर बुक, क्या होना चाहिए, गिव मी अनदर बुक। और अनदर का जो एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, एक और, यानी सेम सेम काइंड की एक और, सेम काइंड की एक और, तो उसको बोलते हैं हम अनदर, राइट। अनदर अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। She has another baby girls. देखो baby girls नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, baby girl होना चाहिए, क्योंकि another अपने साथ क्या लेकर चलता है, singular countable noun लेकर चलता है, right? अब rule number 3 में ये common error बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि another का जो है ना sound वैसे अ लगता है ना, तो इसके सामने generally बच्चे n लगा देते हैं, which is incorrect. Another के साथ कोई भी article use नहीं करने वाले हैं, n use नहीं करने वाले हैं। जैसे Give me an another answer sheet. तो यहाँ पर another अपने साथ n नहीं लेकर चलता है, तो इसलिए ये incorrect हो गया। होना क्या चाहिए, Give me another answer sheet होना चाहिए। Number 2, she wants to buy another TV. Another TV. फिर वहीं पे another के साथ article n use कर दिया, which is incorrect. तो another अपने साथ article लेकर नहीं चलता है, n यहाँ पर नहीं use होगा। Let's move on. Next slide. रूल नंबर 4 को देखते हैं हम ध्यान से। देखिए, जो अनदर है, अगर अनदर के बाद अगर आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया गया है, ठीक है, तो जो आपका उसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल यूज करेंगे हम। अब देखो, अब ध्यान से देखो, आई वॉन्ट अनदर 5 डे। अब देखो यहाँ पे अनदर क्या हो गया, आपका डिटर्मिनर हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद 5 क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद आपको यहाँ पर नाउन दिया गया है, तो नाउन जो होना चाहिए ना फिर वो प्लूरल होना चाहिए, 5 के हिसाब से 5 डेज बनना चाहिए यहाँ पर। देखिए, आई वॉन्ट अनदर 5 डेज, तो ये करेक्ट आंसर होगा, आई वॉन्ट अनदर 5 डेज। अगर आपको अनदर के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया है और कार्डिनल नंबर है जो, उसके बाद आने वाला जो प्लूरल नाउन होगा, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, She wants to buy another 5 flat. देखो फिर आप यहाँ पे another आपका determiner हो गया, 5 आपका cardinal number हो गया, flat आपका noun हो गया, तो plural आना चाहिए ना, flats होना चाहिए। तो देखें another 5 flats, right? तो ये rule number 4 हो गया। rule number 5 पे हम चलते हैं। another का प्रयोग हमेशा assertive sentence में, यानी कहने का मतलब जब आप positive sentence की बात करते हो, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हो, तो जनरली हम अनदर का पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते हैं। देखिए, शी डज नॉट वांट अनदर बैट्समैन, शी डज नॉट वांट, अब ये सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया। जनरली हम अनदर का यूज किस में कर लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। देखिए, शी वॉन्ट्स अनदर बैट्समैन होना चाहिए, ना कि डज नॉट। क्यों? क्योंकि ये आपका असर्टिव स्टेटमेंट है, और जनरली हम अनदर को असर्टिव स्टेटमेंट में यूज करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते हैं।
आई डिड नॉट गिव हर अनदर पेज. अब देखो फिर यहाँ पे डिड नॉट दे दिया जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, और अनदर को तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, असर्टिव में करते हैं. तो यहाँ पे शी गेव हर अनदर पेज, ये करेक्ट होना चाहिए था, राइट. तो ये रूल नंबर 5 हो गया आपका. अब रूल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, देखो अगर अदर होता है, सिर्फ अदर होता है, तो अदर तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज करते हो. अगर अदर आपको अन्य के सेंस देता है, एक के सेंस देता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले लोगे, और अगर आपको दूसरे के सेंस देता है यानी बहुत सारे लोगों के सेंस देता है, तो वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लोगे. लेकिन जब आप एनी अदर का यूज करते हैं, एनी अदर तो हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है. देखिए सेंटेंस जनरली हम इसको किसमें यूज कर लेते हैं, कंपैरेटिव जो डिग्री होती है आपकी, जो सेकंड डिग्री होती है, उसमें यूज कर लेते हैं. देखिए आई एम बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लासरूम. अब यहाँ पे एनी अदर है ना, जैसे मान लो मैंने कहा एनी अदर, बॉयज नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि एनी अदर तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो बॉयज तो प्लूरल हो गया, होना क्या चाहिए था एनी अदर बॉय. तो यहाँ पर एनी अदर अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है. जनरली हम इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर लेते हैं. अब एक सेंटेंस को देखते हैं. इज देयर एनी अदर बॉय इन द क्लासरूम हु इज रेडी टू गिव द आंसर. अगर मैं यहाँ पे एनी अदर बॉयज कर देता तो इनकरेक्ट हो जाता. क्यों इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि एनी अदर तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो होना क्या चाहिए था एनी अदर बॉय होना चाहिए था, तो बॉयज नहीं हो सकता, राइट. अगर मैं बात करता हूं एनी अदर का, देखिए जनरली हम एनी अदर को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज कर लेते हैं, सिंगुलर काउंटेबल तो होता ही है ये, राइट. देखिए डोंट यू हैव एनी अदर बॉयफ्रेंड, देखिए अभी जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो गया आपका, और एनी अदर को कंपैरेटिव में यूज कर लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर लेते हैं. डोंट यू हैव एनी अदर आ गया, ठीक है. उसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है. एनी अदर बॉय है, बॉयफ्रेंड लिखा है, फ्रेंड्स नहीं हो सकता है, राइट. शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी अदर डे. अब देखो एनी अदर के बाद हमने डे यूज किया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है, हम यहाँ पे डेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनी अदर तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. अब चलो रूल नंबर 8 की अगर मैं बात कर लेता हूं, अब आ गया नो अदर. पहली बात आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब नो अदर आता है तो नो अदर हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर आता है, ठीक है. और नो अदर के साथ हमेशा नो ही यूज होता है, नॉट यूज नहीं होता है. आप नॉट यूज नहीं कर सकते कि मान लो आपने नॉट लिख दिया, नॉट अदर, ऐसा नहीं होगा, नो अदर ही होगा. अब सेंटेंस को देखते हैं. देखिए नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज रीमा. अब यहाँ पे नो अदर, देखो नो अदर आपका एक डिटरमिनर हो गया, यहाँ पे गर्ल ही आया जो कि अपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है. तो देखिए अब यहाँ पे गर्ल्स आप यूज नहीं कर सकते, अगर आपने यहाँ पे गर्ल्स यूज कर दिया होता तो इनकरेक्ट होता, क्योंकि नो अदर तो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है. और दूसरी बात, क्योंकि नो अदर अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, तो यहाँ पर नॉट वगैरह आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट. No other teacher is as talented as safe sir, right? देखा ध्यान से, no other teacher. अभी हमने यहाँ पे singular countable noun use किया, teachers use नहीं कर सकते हम, right? क्योंकि no other अपने साथ singular countable noun लेकर चलता है, और generally ये negative sentence तो होता ही है, इसमें हम not वगैरह हम use नहीं करते हैं, so which is incorrect. Otherwise incorrect हो जाएगा. चलो rule number 10 पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो दो तरह के numbers होते हैं हमारे पास, एक तो होता cardinal number और एक होता है ऑर्डिनल नंबर. एक तो होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है. अगर हम ध्यान से देखें, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. अब मान लो प्रॉब्लम क्या है कि मान लो एक गिवन सेंटेंस के अंदर अगर आपका ऑर्डिनल नंबर भी आ जाता है, कार्डिनल नंबर भी आ जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप ऑर्डिनल नंबर लेंगे और फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर लेंगे, ठीक है. पहले आप ऑर्डिनल नंबर लेंगे और फिर कार्डिनल नंबर लेंगे. और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ऑर्डिनल नंबर से पहले आप आर्टिकल का भी यूज कर लेंगे.
अब सेंटेंस को देखो, द फर्स्ट थ्री गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। अब देखो जो दो फर्स्ट, फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, और ये अपने साथ आर्टिकल भी लेता है, ये भी ठीक हो गया। थ्री आपका कार्डिनल नंबर हो गया, और कार्डिनल नंबर के साथ हमने प्लूरल भी यूज कर लिया गर्ल्स, और वर्ब भी आपने आर यूज कर ली, ठीक है। द फर्स्ट थ्री गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, द थ्री फर्स्ट गर्ल्स, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, द थ्री फर्स्ट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल सेज कि जब आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर भी होता है, कार्डिनल नंबर भी होता है, तो पहले आप ऑर्डिनल नंबर को पहले रखेंगे, कार्डिनल नंबर को बाद में रखेंगे। द फर्स्ट फोर बॉयज, अब देखो अब यहाँ पे फर्स्ट फिर ऑर्डिनल नंबर हो गया, इसने अपने साथ आर्टिकल ले लिया, द फिर बॉय, फोर क्या हो गया आपका, कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर, राइट, और इसने अपने साथ प्लूरल नाउन ले लिया, वर्ब भी आपके प्लूरल आ गए। सो व्हेन एवर यू हैव कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल नंबर इन अ गिवन स्टेटमेंट, सो फर्स्ट यू हैव टू प्लेस ऑर्डिनल नंबर देन कार्डिनल नंबर, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सच एंड सेम, देखो सच एंड सेम जो होते हैं इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। अब ये जो सच और जो सेम है, ये जनरली हम किसके लिए यूज कर लेते हैं, देखो सच और जो द सेम है, ये जनरली हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर लेते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज कर लेते हैं हम इसको। और साथ के साथ अगर देखें हम इसकी, अगर मैं बात करता हूं दोनों को, द सेम द सच, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सच अ प्लेयर लिखा हमने, क्योंकि आर्टिकल अ लेगा, क्योंकि आप एक बंदे की बात कर रहे हो। सच बॉयज, अब देखो हमने सच बॉयज, क्योंकि हमने बॉयज को प्लूरल लिया है, तो इसलिए हमने सच बॉयज बोल दिया। सच पेट्रल, अब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, सच का यूज कर सकते हैं। सिमिलर अगर मैं बोलता हूं द सेम बॉय, एक बच्चे की बात कर रहा हूं, द सेम बॉय, अगर मैं एक से ज्यादा की बात करता हूं, द सेम बॉयज, देखें द सेम बॉयज, द सेम टी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये द सेम टी, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो गया। देखिए अगर मैंने बोला सच अ या एन इंटेलिजेंट बॉय, मैंने ऐसे कुछ कर दिया, सच एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इंटेलिजेंट आ गया, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, सच एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको ये देखना पड़ेगा सच या द सेम के बाद, द सेम के बाद अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो या तो अ ले लेगा या एन ले लेगा सच के बाद, ठीक है। द सेम के बाद जनरली आपको देखना पड़ेगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सीधा लिख दोगे, प्लूरल है तो उसके साथ उसके प्लूरल फॉर्म यूज कर लोगे, राइट, और अगर वोवल साउंड आ रहा है तो उसके साथ आप सच के केस में एन भी लगा दोगे। तो ये हो गया आपका सच, द सेम, द सच, सॉरी सच एंड द सेम, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों कैटेगरीज में हम यूज कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई विल कम विद अनदर टॉपिक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।